प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने विकास यात्रा पर लगी प्रदर्शनी देखी। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 35वें दिन वाराणसी पहुंची। यूपी में न्याय यात्रा का दूसरा दिन है। राहुल काशी में 12 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। गोदोलिया चौराहे पर उनकी जनसभा है। कोरोना गांव में लंच करेंगे। राहुल के साथ सीनियर लीडर जयराम रमेश, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता हैं। किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है। पंजाब के किसान दिल्ली जाने की जिद को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन के दौरान हार्ट अटैक से किसान और दम घुटने से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है। पंजाब का बड़ा किसान संगठन BKU भी आंदोलन में आ गया है। आज से 2 दिन के लिए वे पंजाब के सभी टोल फ्री कराएंगे। इसके अलावा पंजाब भाजपा नेता पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ और केवल ढिल्लो के घर का घेराव करेंगे। हरियाणा में BKU तहसीलों में ट्रैक्टर मार्च निकालेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा जिस तरह से विपक्षी नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है, उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। खड़गे ने कहा, संसद में चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने पीएम से पूछा था कि भाजपा और कितने लोगों को गलत तरीके से जोड़ने वाली है। कई मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से जुड़ रहे हैं। मैंने पीएम से पूछा कि भाजपा की खुराक कितनी है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क कोर्ट ने 2,946 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही उनके सभी बिजनेस पर 3 साल के लिए बैन लगाया गया है। ट्रंप पर यह कार्रवाई धोखाधड़ी के मामले में की गई है।